हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के वीडियो में हम पांच इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब देखेंगे। ये पांच वर्ड्स हैं न्यू, एवरीवन, हेल्प, प्लांट और अप्रोच। इन पांच इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखने के बाद हम उसको एग्जांपल सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। इससे आपको उसका प्रैक्टिकल यूज़ पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इन पाँच इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब को समझना। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है न्यू। न्यू का हिंदी में मतलब होता है जानता था या पता था। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है जानता था या पता था, तो वहाँ पर आप न्यू शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये न्यू शब्द जो है वो नो शब्द का भूतकाल होता है। नो का मतलब है जानना। तो अगर आपको भूतकाल में बोलना है जानना, तो वहाँ पर आप न्यू शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई न्यू दिस वुड हैपन, मतलब मुझे पता था यह होगा। दूसरा एग्जाम्पल, ही न्यू दैट ही हैड फेल्ड इन द एग्जाम, मतलब वह जानता था कि वह परीक्षा में फेल हो गया था। तीसरा एग्जाम्पल, We knew that it would be a holiday tomorrow, यानी हम जानते थे कि कल छुट्टी होगी। चौथा एग्जाम्पल, I knew where he was, मतलब मुझे पता था कि वह कहाँ है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो, He acted as if he knew nothing, मतलब उसने ऐसा अभिनय किया जैसे वह कुछ भी नहीं जानता हो। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है एवरीवन। एवरीवन का हिंदी में मतलब होता है सभी या सब लोग या हर कोई। तो अगर आपको इंग्लिश में इन तीनों में से कोई एक बोलना है, दैट इज सभी या सब लोग या हर कोई, तो उस केस में आप एवरीवन शब्द का ही इस्तेमाल करोगे। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, एवरीवन स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग द रूम, यानी सभी ने रूम खाली करना शुरू कर दिया। दूसरा एग्जांपल, एवरीवन स्टार्टेड टू लाफ, मतलब सब लोग हंसने लगे। तीसरा एग्जांपल, एवरीवन स्टूड अप, मतलब सब लोग खड़े हो गए। चौथा एग्जाम्पल, हाउ इज एवरीवन, यानी सब कैसे है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, वेयर इज एवरीवन, मतलब कहाँ है सब। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है हेल्प। हेल्प का हिंदी में मतलब होता है मदद या सहायता। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है मदद या सहायता, तो उस केस में आप हेल्प शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, कुड यू हेल्प मी, यानी क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल, ही हेल्प मी सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी उन्होंने समस्या को हल करने में मेरी मदद की। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने शब्द इस्तेमाल किया है हेल्प्ड, जो हेल्प शब्द का भूतकाल होता है। तीसरा एग्जाम्पल, आई नीड सम हेल्प विद माई स्टडीज, यानी मुझे अपनी पढ़ाई में कुछ मदद चाहिए। चौथा एग्जाम्पल, मे आई हेल्प यू, मतलब क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, शी इज इन नीड ऑफ हेल्प, यानी उसे मदद की जरूरत है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है प्लांट। प्लांट का हिंदी में मतलब होता है पौधा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है पौधा, तो वहाँ पर आप प्लांट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई हैव डिफरेंट प्लांट्स इन माय बालकनी, यानी मेरी बालकनी में अलग अलग पौधे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, विच प्लांट इज दिस, मतलब यह कौन सा पौधा है। तीसरा एग्जाम्पल, आई वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग, यानी मैं हर सुबह पौधों को पानी देता हूँ। चौथा एग्जाम्पल, प्लांट्स डाई विदाउट वाटर, मतलब पानी के बिना पौधे मर जाते हैं। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, ऑल प्लांट्स नीड वाटर एंड लाइट, यानी सभी पौधों को पानी और प्रकाश की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, प्लांट शब्द को क्रिया के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तब उसका मतलब बन जाता है लगाना। तो जब आपको इंग्लिश में बोलना है लगाना, जैसे कि पौधा लगाना, तो उस केस में भी आप प्लांट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, हु प्लांटेड द ट्री, मतलब पेड़ किसने लगाया। दूसरा एग्जाम्पल, आई प्लांटेड एन एप्पल ट्री इन माई गार्डन, मतलब मैंने अपने बगीचे में एक सेब का पेड़ लगाया। फ्रेंड्स, प्लांट शब्द का तीसरा मतलब होता है कारखाना या फैक्ट्री। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कारखाना या फैक्ट्री, तो वहां पर भी आप प्लांट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने सुना भी होगा कार का एक बड़ा प्लांट वहां लगा है, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज अ बिग कार प्लांट इन मुंबई, यानी मुंबई में एक बड़ा कार प्लांट है। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब देखने वाले हैं वो है अप्रोच। अप्रोच का हिंदी में मतलब होता है पास आना या करीब आना या नजदीक आना। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक बोलना हो, दैट इज पास आना या करीब आना या नजदीक आना, तो उस केस में आप अप्रोच शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके एग्जांपल्स थोड़े देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, अ बिग टाइफून इज अप्रोचिंग,
मतलब एक बड़ा आंधी आ रहा है. दूसरा एग्जाम्पल दी एनिमी इज अप्रोचिंग मतलब दुश्मन करीब आ रहे हैं. तीसरा एग्जाम्पल क्रिसमस इज फास्ट अप्रोचिंग यानी क्रिसमस तेजी से आ रहा है. चौथा एग्जाम्पल दे आर अप्रोचिंग यानी वे आ रहे हैं. और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो द फाइनल एग्जाम्स आर अप्रोचिंग मतलब अंतिम परीक्षाएं नजदीक आ रही है. फ्रेंड्स अप्रोच शब्द का दूसरा मतलब होता है पहुंचना. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है पहुंचना तो वहां पर भी आप अप्रोच शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. पहला एग्जाम्पल ही अप्रोच्ड द डोर यानी वह दरवाजे के पास पहुंचा. दूसरा एग्जाम्पल ट्रेन अप्रोच्ड द टाउन मतलब ट्रेन कस्बे के पास पहुंची. फ्रेंड्स यहाँ पर हम शब्द लगा रहे हैं अप्रोच्ड जो अप्रोच शब्द का भूतकाल होता है. तो अगर आपको पहुंचना को भूतकाल में बोलना है तो वहां पर आप अप्रोच्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो. तीसरा एग्जाम्पल द कैट स्लोली अप्रोच्ड द माउस यानी बिल्ली धीरे धीरे चूहे के पास पहुंची. फ्रेंड्स अप्रोच शब्द का तीसरा मतलब होता है किसी समस्या या परिस्थिति को सामना करने का तरीका. तो अगर आपको बोलना है किसी समस्या या परिस्थिति को सामना करने का तरीका तो वहां पर भी आप अप्रोच शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे एग्जांपल के तौर पे हिज अप्रोच टू द सिचुएशन वाज नॉट गुड यानी परिस्थिति का सामना करने का उसका तरीका अच्छा नहीं था. दूसरा एग्जाम्पल लेट्स ट्राई अनदर अप्रोच मतलब एक दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं. फ्रेंड्स अप्रोच शब्द का तीसरा मतलब होता है संपर्क करना. तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना है संपर्क करना तो वहां पर भी आप अप्रोच शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. ही अप्रोच्ड द पुलिस फॉर हेल्प यानी उसने मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया. फ्रेंड्स ये तो हुए इन पांच शब्दों का हिंदी में मतलब और उसके सेंटेंस एग्जांपल्स. अब आइए थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं. जो पांच शब्द हमने इस वीडियो में देखा वो ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं. आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखकर इस सेंटेंस को पूरा करना है. तो आइए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन डैश वॉज हैप्पी यानी डैश खुश थे. तो यह शब्द लगेगा Everyone was happy. सभी खुश थे या सब लोग खुश थे. दूसरा एग्जाम्पल आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ डैश फॉर सॉल्विंग दिस यानी इसे हल करने के लिए मुझे थोड़ी डैश की जरूरत है. तो यहाँ शब्द लगेगा help. I need a little bit of help for solving this. इसे हल करने के लिए मुझे थोड़ी मदद की जरूरत है. तीसरा एग्जाम्पल After 3 years, the dash had become a tree. यानी 3 साल बाद डैश एक पेड़ बन गया था. तो यहाँ शब्द लगेगा Plant. After 3 years, the plant had become a tree. 3 साल बाद पौधा एक पेड़ बन गया था. अगला क्वेश्चन He dash what had happened. मतलब वो डैश की क्या हुआ था. तो यहाँ शब्द लगेगा New. He knew what had happened. वो जानता था कि क्या हुआ था. अगला क्वेश्चन Can I dash him for help? मतलब क्या मैं मदद के लिए उससे डैश कर सकता हूँ. तो यहाँ शब्द लगेगा Approach. Can I approach him for help? क्या मैं मदद के लिए उसे संपर्क कर सकता हूँ. अगला क्वेश्चन डैश इज वेटिंग फॉर यू मतलब डैश आपका इंतजार कर रहे हैं. तो यह शब्द लगेगा Everyone is waiting for you. मतलब सभी आपका इंतजार कर रहे हैं या सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं. अगला क्वेश्चन I feel happy when I dash someone. मतलब मुझे खुशी होती है जब मैं किसी की डैश करता हूँ. तो यह शब्द लगेगा Help. I feel happy when I help someone. मुझे खुशी होती है जब मैं किसी की मदद करता हूँ. अगला क्वेश्चन I dash something was wrong. यानी मुझे डैश की कुछ गलत था. तो यहाँ शब्द लगेगा New. I knew something was wrong. मुझे पता था कि कुछ गलत था. या अगर आपको इसके दूसरी तरह से बोलना है मैं जानता था कि कुछ गलत था. अगला क्वेश्चन He dashed a house. यानी वह एक घर के पास डैश. तो यहाँ शब्द लगेगा Approached. He approached a house. वह एक घर के पास पहुंचा. और आज का लास्ट क्वेश्चन I dashed a tree yesterday. मतलब मैंने कल एक पेड़ डैश था. तो यहाँ ऑप्शन लगेगा Planted. I planted a tree yesterday. मैंने कल एक पेड़ लगाया था. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा. ये 5 वर्ड्स थे न्यू एवरीवन हेल्प प्लांट और अप्रोच. अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए. आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस वीडियो को और कैसे इंप्रूव किया जाए. अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं तब तब आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते जाएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.